नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बीडीपी इन्वेस्टमेंट में। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र लिमिटेड के ऊपर। और वहां पे आज 28.40 का क्लोजिंग आया है, 6.43% की गिरावट आई है। यहां पे स्टॉक में इतनी डाउन साइड क्यों आई, उस रीजन के पीछे चर्चा करेंगे, कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल है दोस्तों, और पूरा टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस करने वाले है, कैसे इस स्टॉक में से दोस्तों बहुत ही अच्छी तरह से पैसा निकाला जा सकता है। दोस्तों यहाँ पे 6.43% का डाउनसाइड है और रीजन की वजह है बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने नए शेयर अलॉट किए हैं टू QIB गेट लिस्टेड। और जो बोर्ड है उन बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने, उन्होंने जून 6 में अलॉट किए 35.088 मिलियन इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच अलॉटेड टू QIB पर्सन टू QIB। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो बैंक ऑफ महाराष्ट्र है उन्होंने नए सेल जो अलॉट किए हैं वहाँ, उसकी वजह से यहाँ पे स्टॉक में गिरावट आई हुई है। अगर किसने सब्सक्राइब किया तो QIP वॉज फुल्ली सब्सक्राइब एंड रिसीव अ स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स फ्रॉम अ डोमेस्टिक एज वेल एज अ फॉरन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, हाईलाइटिंग अ वेल डाइवर्सिफाइड रिप्रेजेंटेशन एंड डिमांड अक्रॉस द ग्लोब। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने अलॉट किया है दोस्तों 83.41 मिलियन शेयर्स और 23.77% ऑफ टोटल QIP साइज, बैंक ऑफ महाराष्ट्र सेड इन एक्सचेंज फिलिंग। आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने एंड बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने भी बहुत ही अच्छे 36.70 मिलियन बजाज ने लिया है और आदित्य बिरला सन लाइफ ने 45.04 मिलियन से अलॉट हुआ है ओवर 10% ऑफ टोटल इश्यू साइज। और जो बैंक है वो इंटेंडेड टू यूटिलाइज टू प्रोसीड ऑगमेंटिंग बैंक टायर वन कैपिटल टू मीट एडिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ कैपिटल कंजर्वेशन बफर एंड सपोर्ट अ ग्रोथ प्लान टू एनहांस द बिजनेस ऑफ द बैंक। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, बट ये मार्केट को पसंद नहीं आया, इन्वेस्टर को पसंद नहीं आया और इसकी वजह से स्टॉक में गिरावट आई। अगर पिछले 5 दिनों में देखा जाए तो 9.70% का डाउनसाइड हमें दिख रहा है, एक मंथ के अंदर 5% से भी ज्यादा का डाउनसाइड है, 6 मंथ के अंदर 3.89% का डाउनसाइड है, 1 साल के अंदर 70% का रिटर्न दिया है दोस्तों और 5 साल के अंदर 109% का रिटर्न दिया है। लॉन्ग टर्म के अंदर देखा जाए तो 33% का डाउनसाइड है, बट पिछले 5 सालों में अच्छी खासी रिकवरी हुई है, पैसे डबल हुए। फंडामेंटल क्या बोल रहे हैं तो दोस्तों बैंक ऑफ महाराष्ट्र जिसका बुक वैल्यू है 23.5, तो बुक वैल्यू से थोड़ा सा ऊपर चल रहा है स्टॉक। मार्केट कैप है 19,087 करोड़ और NSE का कोड है महाबैंक, BSE का कोड है 532525। स्टॉक का पी जो है 7.33 है, ROCE देखे तो 4.44 है, ROE है 17.4 और फेस वैल्यू 10 का है। बहुत ही बढ़िया और जबरदस्त डिविडेंड देने वाला स्टॉक है, हाई डिविडेंड डील है, 4.59% का डिविडेंड है दोस्तों। बैंक में अगर आप सेविंग अकाउंट में पैसा रखोगे तो 4% का आपको इंटरेस्ट मिलता है, यहाँ पे डिविडेंड इली 4.59 है और अगर देखा जाए तो पिछले 5 सालों में 109% का रिटर्न दिया है और 1 साल में तो दोस्तों जबरदस्त कायापलट हो गई है। तो गवर्नमेंट सेक्टर की बैंक है दोस्तों, गवर्नमेंट PSU बैंक है और वहाँ पे बहुत ही बढ़िया यहाँ पे आपको डिविडेंड के साथ रिटर्न भी दे रहा है और LIC और बड़े बड़े लोग यहाँ पे सब्सक्राइब किया है QIB को। डेब्ट टू इक्विटी थोड़ा सा चिंताजनक है, 15.5 है। डेब्ट जो है 2,44,083 करोड़ का है जो बहुत ही ज्यादा आप बोल सकते हैं। EPS है 3.87 है, इंडस्ट्री का पी 10.09 है। अगर यहाँ पे आप बात करेंगे क्वार्टरली रिजल्ट के ऊपर तो दोस्तों पॉजिटिव क्रेडिट साइकिल हुआ है और सारे बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक में अच्छी वृद्धि हुई है। रेवेन्यू यहाँ पे 4.4495 करोड़ का हुआ है, इंटरेस्ट रेट 2308 जो लास्ट क्वार्टर के मुकाबले काफी अच्छा है, बट यहाँ पे आप देखेंगे एक्सपेंस जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ा 2098 और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है जहाँ पे सडन डाउन साइड आया फाइनेंसिंग मार्जिन में 2% का डाउन सिर्फ रहा जो लास्ट क्वार्टर में 9% का था। तो 822 का अदर इनकम आए और नेट प्रॉफिट जो है वो 841 है, वो भी अच्छा बोल सकते हैं। अगर यहाँ पे 9% का मार्जिन होता तो यहाँ पे जबरदस्त हमें रिजल्ट देखने को मिल सकता था, बट यहाँ पे फ्लैट हुआ। बट ईयर टू ईयर में अगर देखा जाए तो बहुत ही बढ़िया 356 करोड़ का प्रॉफिट था, उसके सामने 841 करोड़ का हुआ है और रेवेन्यू में भी काफी अच्छा और इंटरेस्ट में भी काफी अच्छा सुधार देखने को मिला है जब 8% फाइनेंशियल मार्जिन था। अगर यहाँ पे देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के ऊपर तो यहाँ पे आपको दिखेगा प्री कोविड लेवल जो था वो 11,496 था, उससे पहले बैंक में स्टेबिलिटी दोस्तों, रेवेन्यू एक स्टक हो गया था, अब वो रेवेन्यू बढ़ रहा है। और आप देखेंगे बीच में बहुत बड़े एसेट क्वालिटी के इश्यूज थे PSU बैंक में और वहां पे बहुत सारा दोस्तों लॉस भी कंपनी ने किया, अब वापस से ट्रैक पे आ गया और 2605 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया है, 4% फाइनेंसिंग मार्जिन दिया है, अदर इनकम 2283 है जो लास्ट 2 साल से
कम आई है, फिर भी जो नेट प्रॉफिट है वो बहुत ही बढ़िया और तगड़ा आया है और 15,899 का रेवेन्यू आया है। यहाँ पे आप देखेंगे 130,919 था, वहां से काफी अच्छा अपसाइड है और फाइनेंसिंग प्रॉफिट सुधर रहा है। अगर यहाँ पे 4 का 5 या 6 हो जाता है तो यहाँ पे आप एक्चुअल में देखेंगे तो कितना ज्यादा बेनिफिट आ सकता है। और ये जो है अदर इनकम थोड़ा सा कम आया था लास्ट ईयर से, अगर वो भी पिछले 2 सालों की तरह आ जाता है तो यहाँ पे जबरदस्त एक उछाल हमें नेट प्रॉफिट के ऊपर देखने को मिल सकता है अगर एक्सपेंस और फाइनेंशियल मार्जिन कंट्रोल में रहे। शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या बोल रही है? तो दोस्तों प्रमोटर के पास सबसे ज्यादा होल्डिंग है, 19.97% का होल्डिंग है। एफआईआई जो है दोस्तों 0.26% का होल्डिंग है। लास्ट क्वार्टर में एफआईआई ने थोड़ा बढ़ा है। डीआईआई के पास होल्डिंग है 3.33। डीआईआई अपना होल्डिंग काफी कम किया है, थोड़ा बढ़ाते फिर कम करते फिर कम कर लेते। और पब्लिक के पास होल्डिंग है 5.44। अगर यहाँ पे पब्लिक के पास बात की जाए तो यहाँ पे कोई डेटा अवेलेबल नहीं है दोस्तों। और एलआईसी के पास 3.07% का होल्डिंग है डीआईआई में। और एलआईसी ही दोस्तों सबसे ज्यादा क्यूआईवी सब्सक्राइब करने वाली कंपनी भी है। तो दोस्तों डिविडेंड देने वाली कंपनी और आपको अच्छा रिटर्न देने वाली कंपनी है ये। चार्ट क्या बोल रहा है? तो हमने डेली चार्ट के ऊपर यहाँ पे इंडिकेटर सेक्शन में आरएसआई इंडिकेटर सिलेक्ट किया हुआ है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ओवर 70 ओवरबोर्ड जोन है, बिलो 30 ओवरसोल्ड जोन है। यहाँ पे आप देखेंगे कि अभी जो वैल्यू है 39.40 है, बिलो 30 यानी कि ओवरसोल्ड जोन के आसपास आ चुका है। अगर पिछले 2 दिनों में देखेंगे तो दोस्तों इन्वेस्टर को ये क्यूआईबी का फैसला पसंद नहीं है और काफी अच्छा खासा नीचे तोड़ा है क्यूआईबी की वजह से। और यहाँ पे जो अहम लेवल था 28.88 का लेवल बहुत ही अहम था। वो क्यों अहम लेवल है? तो यहाँ पे हमने स्विंग लो जो 29 सितंबर 2022 का स्विंग लो था उसको कनेक्ट किया है स्विंग हाई से 14 दिसंबर 2022 के। और उसका जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट 38.2% का रहे 28.88 का उसको तोड़ दिया स्टॉक ने। पिछली बार वहीं से सपोर्ट लेके स्टॉक ऊपर गया था 31 के आसपास, आप देख सकते हैं यहाँ पे, और फिर वापस यहाँ पे तोड़ दिया है। अगर ये कल के दिन के ऊपर ऊपर नहीं जाता है तो फिर हमें लेवल नीचे की तरफ खुल जाएंगे, 26.50 तक के लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं और उसी लेवल के आसपास आरएसआई ओवरसोल्ड जोन में आ सकता है। जब जब आरएसआई ओवरसोल्ड जोन में गया है तो आप देख सकते हैं कि वहां से एक अच्छा खासा बाउंस बैक हमें देखने को मिला है, बहुत ही बढ़िया बाउंस बैक देखने को मिल रहा है। तो हमें थोड़ा वेट करना चाहिए दोस्तों। अगर इन्वेस्टर और पैनिक करते हैं तो फिर यहाँ से नीचे के तरफ 26.62 गोल्डन अपॉर्चुनिटी बनेगी, आरएसआई ओवरसोल्ड जोन में जाएगा और आपको बेहतरीन अपॉर्चुनिटी बन सकती है और अच्छा लो रिस्क हाई प्रॉफिट ट्रेड आपके लिए बन सकता है। ऐसे मेरे पर्सनल व्यू है दोस्तों, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको एनालिसिस कैसा लगा दोस्तों। और आपको अगर फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करना हो तो आप एंजल वन में फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली हुई है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।